बेफिजूल की बातें हैं, मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हारी बीवी जरूर करवाएगी। उफ़, उफ़। आपको उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे डेरिया के साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कभी होने वाली है। दरअसल उसे हमसे प्रॉब्लम है। अब ये हम कौन है प्लीज बताइए, क्या डेरिया हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है? हम सरसिमाज खानदान हैं और वो हमें बर्बाद करने आई एक फौज है। अच्छा, तो आपका मतलब है इसका अंत जंग के मैदान में होगा? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, पर याद रखना, मुराद कंपनी का मैनेजर बना तो तीसरा महायुद्ध छिड़ जाएगा, तीसरा महायुद्ध। माँ सुनो, मुराद और दोरुक हमेशा मेरे लिए एक हैं, हाँ? पर आप जानती हैं, दोरुक बिना सोचे समझे कुछ भी कभी भी कर देता है। वो सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचता रहता है। अगर उसे मैनेजर बनना है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। हम दोनों जानते हैं आखिरकार मुराद ही कंपनी का मैनेजर बनेगा। वेलकम मिस्टर मुराद। रिपोर्ट ठीक 4 बजे डेस्क पर चाहिए। रिपोर्ट सेट 4। मिलाना ग्रुप से हमारी मीटिंग होने वाली थी, क्या वो तैयार है? वो तैयार है सर, पर शायद उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है सर। क्या हुआ? उन्होंने 5 मिनट पहले कॉल करके कहा कि वो लेट हो जाएंगे। पर मीटिंग तो 10 मिनट बाद है। यस सर, उन्होंने कहा उन्हें 1 घंटा लग सकता है। मीटिंग कैंसिल करो और उन्हें इन्फॉर्म मत करो। मीटिंग कैंसिल करो और उन्हें इन्फॉर्म मत करो। क्या कहा आपने सर? जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब उन्हें इन्फॉर्म करना, ताकि वो दूसरों के वक्त की कदर करना सीख जाए। मिलानो, मीटिंग कैंसिल हो गई है, बॉस बहुत गुस्से में है। ये लिफ्ट स्लो क्यों हो गई है? सर कल से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, डोंट वरी, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, वरना इसी लिफ्ट से उतर के चली जाना। बॉस बहुत गुस्से में है, मैं तो गई। कैटलॉग शूटिंग की क्या खबर है, काम शुरू हो गया? शुरू हो गया सर, वो स्केड्यूल के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या शुरू हुआ है। उठाया नहीं, जॉब मिल गया क्या? रुको, आश का भी कॉल आ रहा है, उसे भी ऐड करती हूँ। हयात क्या हुआ, मैं जाने के लिए मरी जा रही हूँ, प्लीज कह दो तुम्हें जॉब मिल गई। मान भी जाओ, ये नहीं होने वाला, हम तुम्हें एयरपोर्ट पे बाय कहने आ जाएंगे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कचरे के डिब्बे में अपना फोन ढूंढ रही थी, इंटरव्यू में नहीं जा पाई। मतलब तुम मासलाक इंटरव्यू गई ही नहीं? यार रिपेक, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे टाइम से टैक्सी भी नहीं मिल पाई, और फिर एक बहुत ही बदतमीज आदमी की वजह से मैंने अपना फोन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। क्या कह रही हो, तुमने अपना फोन फेंक क्यों दिया? नया तो था ना, उसे यूज करना था। देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं मिलकर सब बताती हूँ। तुम भी उसे देखती ना तो समझ जाती वो कितना अकड़ू है। अकड़ू है तो कोई बात नहीं, पर क्या हैंडसम था? अगर हाँ तो टेक नोट, अगर किसी हैंडसम लड़के से मिलते हो तो उसे अपना नंबर दे देना चाहिए, ना कि अपना फोन कचरे में फेंकना चाहिए। मुझे अच्छे से पता है मुझे उसे क्या देना अगर अगली बार मैं उसे मिली तो। क्यों, ऐसा क्या देने वाली हो? जो उसे मिलना चाहिए। चलो छोड़ो, मैं फोन रखती हूँ, पहला नहीं तो दूसरा इंटरव्यू तो दे दूँ। दूसरा कौन सा है? साठे टेक्सटाइल में एडवाइजर ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बैक प्रिंट दिख रहा है, उसे छुपाने की कोशिश क्यों नहीं करते? राइट हैंड नीचे गिरा हुआ है, नेक को भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हम मिसेस डायडम के मेकअप के लिए रुके हैं। वो तो कभी खत्म नहीं होगा, तुम जाओ।
क्या प्रॉब्लम है दीदैम? मेरी चिन लेफ्ट साइड से ग्लो कर रही है ना। मेरा बस चले तो इसके चिन के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। ओ मेरी प्यारी, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, कोई भी तुम्हारे चिन की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेगा। सच्ची मेरा खाना ग्लूटेन फ्री तो है ना? खाने की टेंशन मत लो, आप काम पे ध्यान दो। ठीक है। ओके तो शुरू करें। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ बेबी? मेरी लिटिल फिंगर का पॉलिश खराब हो गया है। वो हमारे लिए काले टीके की जैसा है। नजर नहीं लगी। ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। वेरी नाइस। मुराद, वेलकम डार्लिंग। अपने काम पर ध्यान दो प्लीज। मेरा बस चले तो इसका नाक मुंह दांत सब तोड़ के रख दो। इसका ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता है। ओ हाय, वेलकम मुराद। काम कैसा चल रहा है तुवाल? एक बार शुरू होगा तब तो पता चलेगा। डेकोर कैसा लगा मिस्टर मुराद? थीम क्या है? थीम ये है, मिसेस डायदम एक यंग वुमन है, वो पार्टी में जा रही हैं और वो हमारा ड्रेस पहनती है। वो काउच पर क्यों बैठी है? मैं समझा नहीं। अगर वो पार्टी में जा रही है तो वो काउच पर क्यों बैठी है? सरदार। यस मिस्टर मुराद। डायदम काउच पर क्यों है? क्योंकि मेरे लेटे हुए पिक्चर्स अच्छे आते हैं। हम यहाँ हमारे ड्रेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, दिदेम की नहीं। काम पर ध्यान दो। आप सही कह रहे हैं, हम भी ये बात जानते हैं। बड़ी समझदार हो। जो जरूरी है वो करना। क्या वो मेरे बारे में कुछ बुरा बोल कर गए हैं? उन्होंने तो बस यही कहा कि हो सके तो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो।